सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। ट्रांस सॉल्यूशन ये एक सस्पेंशन है जो कि एक सिरप फॉर्म में रहता है। एचएनएस फार्मा के द्वारा बनाए जाने वाला ये क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि फ्रांस के नाम से जाना जाता है। एचएनएस फार्मा जो कि स्किन के क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहती है और डीजल टीम प्रोडक्ट रहती है। तो आज हमारे पास है उनकी कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाला फ्रांस सॉल्यूशन जो कि आयरन टॉनिक है, ऑरेंज फ्लेवर में है और थेरेपेटिकल यूज के लिए रहता है। 200 ml की बोतल में आता है। आयरन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोलाबिन इसके अंदर डाला गया है तथा ये 200 ml का बड़ा सा बोतल रहता है जिसका MRP 119 rupees रहता है, मतलब 119 rupees का ये सिरप रहता है जो कि आयरन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोलाबिन डाला गया है, जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है इन सब केसेस में, जब आपका हीमोग्लोबिन सही से प्रोड्यूस नहीं करता है या आपके अंदर विटामिन B12 की कमी रहती है या आयरन की कमी रहती है या बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे, तो उन केसेस में इसे डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसको कब दिया जाता है, कब तक इसको लेना पड़ता है तथा इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा और इसका डोज कितना रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को आपको अंत तक देखने का ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके इस फ्रांस सॉल्यूशंस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो फ्रांस सॉल्यूशन जो कि एचएनएच फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिक डॉक्टर ने आपको ये रिकमेंडेड किया है तो आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके कि ये फ्रांस सॉल्यूशन किन केसेस में आता है। तो ये 200 ml की बोतल है जिसके अंदर कंटेंट डाले गए हैं, आयरन डाला गया है, एलिमेंटल आयरन जो कि 32.8 mg डाला गया है तथा साइनोकोलोबामाइन डाला गया है जो कि 7.5 mcg डाला गया और फॉलिक एसिड 0.5 mg डाला गया है तथा ये तीनों कंटेंट जो कि ये बहुत ही यूजफुल है तथा इसको सिरप बेस में बनाए गए हैं, सस्पेंशन बेस में जो कि सिरप बेस में रहता है तथा इसको दिया जाता है कब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जब एनीमिया वगैरह होता है, रेड ब्लड सेल्स वगैरह फॉर्म नहीं होता है तब इसको दिया जाता है। एनीमिया जब प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे इसको दिया जाता है, अगर आपको वीकनेस वगैरह हो रहा तब दिया जाता है और क्रोनिक ब्लड लॉस होता है एनीमिया के कारण तब इसको दिया जाता है। तो इन सब केसेस में इसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो इसके अंदर आयरन डाला गया है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, जैसे कि आयरन जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है जो कि प्रोटीन कैरी करता है एक ऑक्सीजन से लंग्स के थ्रू पूरा बॉडी के अंदर तथा मसल को स्ट्रॉन्ग करता है तथा स्टोर करता है ऑक्सीजन पूरे बॉडी के पार्ट पे और प्रोटीन और एंजाइम के अंदर। एंड फॉलिक एसिड इसके अंदर डाला गया है जिसको फॉलेट के नाम से भी जाना जाता है और ये बी विटामिन है। तो फॉलिक एसिड जो कि मैन मेड फॉलेट से लिया जाता है तथा ये फॉलेट जो फाउंड होता है फ्रूट के अंदर, वेजिटेरियंस के अंदर और नट के अंदर ये मिलता है फॉलिक एसिड। तो आपको फ्रूट ज़्यादा खाने का और वेजिटेरियन ज़्यादा खाने का और नट ज़्यादा खाने का ताकि आपको फॉलिक एसिड वहाँ से मिल जाएगा तथा ये क्या फोर्टिफाइड विथ विटामिन रहता है तथा ये रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है तथा ये कैरी करता है ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर और इसके अंदर साइनोक्लोबामाइन डाला गया है जो कि मैन मेड है जो कि विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है जो लो ब्लड लेवल रहता है विटामिन का उसको प्रिवेंट करता है तथा जो विटामिन की जरूरत रहती है डेली लाइफ में तो उसको पूरा करता है तथा जो विटामिन B12 इम्पोर्टेंट रहता है हेल्थी हेल्थ के लिए तथा मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड सेल्स के लिए और नर्व्स के लिए, तो उनमें ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये सिरप जो कि आपकी बॉडी को इम्प्रूव करके आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी तथा रेड ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करती है। तो ये सिरप जो कि पीडियाट्रिक डॉक्टर बच्चों के लिए रिकमेंडेड करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंडेड करते हैं और अदर फिजिशियन भी रिकमेंडेड करते हैं। तो इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया अभी तक, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
लगता है ये एक बहुत ही यूजफुल सिरप है, तो आप ले सकते हो। अगर आपके इस सिरप के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।